मेरा नाम साक्षी, एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। आधी रात पुलिस ने शाहरुख खान के पैर में मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। नई दिल्ली, गाजियाबाद। यूपी के गाजियाबाद लोनी बॉर्डर इलाके में पुलिस ने शाहरुख खान के पैर में गोली मारी है और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली। इसकी वजह यह है कि बदमाश शाहरुख ने पुलिस पर गोली चलाई थी। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पर एक बदमाश को गोली लगी है और एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। बताया जा रहा है कि बाइक पर दो बदमाश थे, जिनका पुलिस चेकिंग के दौरान पीछा कर रही थी। बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पिछले डेढ़ हफ्ते की बात करें तो पुलिस ने यह पांचवा एनकाउंटर किया है। पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो गोली शाहरुख खान नाम के बदमाश को जा लगी, जो साहिबाबाद का रहने वाला है। दिल्ली NCR में बदमाश शाहरुख पर 11 मुकदमे दर्ज है और उसने देश की राजधानी के समेत आसपास के पुलिस के सिर में दर्द कर रखा है। पुलिस ने बदमाश के पास से अवैध तमंचा और बाइक भी बरामद की है। फिलहाल घायल पुलिसकर्मी और शाहरुख को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस उसके दूसरे साथी आरिफ की भी तलाश कर रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।